ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिससे शेयर मार्केट में जरूर पैसा बढ़ेगा? ऐसा कोई मैकेनिज्म हो सकता है? ऐसा क्या था कि झुंझुनवाड़ा जी मिस्टर झुंझुनवाड़ा बन गए, वॉरेन बफेट जी मिस्टर वॉरेन बफेट बन गए और रामदेव अग्रवाल जी द रामदेव अग्रवाल बन गए? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी और मैं आपका यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। देखिए, सिंपल सा एक कंसेप्ट है, आपको एक ऐसा स्टॉक पकड़ना है जो 10 साल में 10 गुना हो जाए, 10 टाइम्स इन 10 ईयर्स, और अगले 10 ईयर्स में फिर 10 गुना हो जाए, यानी 20 साल में वो 100 गुना होगा। अगर आप 10 रुपये लगाते हैं, 10 ईयर्स में वो 100 रुपये होंगे, और अगले 10 ईयर में वो 100 रुपये फिर 10 टाइम्स होकर 1000 रुपये होंगे। ऐसा कोई अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपकी वेल्थ जनरेट होती है। यही तरीका है जिससे झुंझुनवाला जी ने वेल्थ बनाई, रामदेव अग्रवाल जी ने वेल्थ बनाई, केड़िया जी ने वेल्थ बनाई, वॉरेन बफेट जी ने वेल्थ बनाई, पीटर लिंच जिसी की बात करते हैं, जिससे बात करो वो यही आपको समझाएगा। लेकिन हमारे अंदर ये तीन शब्द ग्रीड, फियर और पेशेंस, ये तीनों को अगर आप बैलेंस बना पाएँ, इन तीनों को समझ पाएँ, तो पैसा तो बनता है। क्या ऐसा कोई शेयर आज एग्जिस्ट कर रहा है? इसको देखने का सिंपल सा तरीका है, ऐसा बिजनेस जिसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगले 20, 25, 30 सालों तक है, उसका पेनिट्रेशन अभी कम है, अभी कम लोग यूज करते हैं, एंड इन ईयर्स टू कम सब लोग यूज करेंगे, ऐसा बिजनेस सोच रहा है। कंज्यूमर ड्रिवन, कंज्यूमर इन्वॉल्व होना चाहिए, बिजनेस टू बिजनेस नहीं, बिजनेस टू कंज्यूमर, ऐसा चीज़। आप देखिए, झुंझुनवाला जी ने टाइटन में पैसा बनाया, बिजनेस टू कंज्यूमर, कोक में पैसा बनाया, बिजनेस टू कंज्यूमर, जिससे भी बात, MRF में पैसा बना, बिजनेस टू कंज्यूमर, आपका PDRite में पैसा बना, एशियन पेंट में पैसा बना, HDFC बैंक में पैसा बना, बिजनेस टू कंज्यूमर। आप देखेंगे पैसा वहीं बनता है जहाँ बिजनेस टू कंज्यूमर। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ वहाँ अभी कम कंज्यूमर्स यूज करते हैं और कंज्यूमर उसको यूज करने वाले हैं इन ईयर्स टू कम? और दूसरी चीज़, जिसकी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं वो एक ईमानदार प्रमोटर हो, ईमानदार मैनेजमेंट हो, आपको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे कोई इफ या बट ना हो, बस ये दो चीज़ आपने चेक कर ली, बिजनेस जिसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो, मैनेजमेंट ऐसा हो जिसके ऊपर आप कहते हैं ताल ठोक के कह सकें इनके साथ पैसा लगा देते हैं, ठीक है जी, अगर यही डूब गए तो अलग बात है, लेकिन ये पैसा लेके भागेंगे नहीं, बस लाइफ का किसी का पता नहीं, हमारी लाइफ का पता नहीं, किसी और की लाइफ का पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ ढूंढ के अगर हम उसमें कुछ पैसा लगा देते हैं, मेरी फिलॉसफी यही है, मैं ऐसा ही पैसा लगाता हूँ। क्या आज के टाइम पर ऐसा कोई बिजनेस मुझे दिख रहा है? एकदम दिख रहा है। क्या आज के टाइम पर ऐसा कोई शेयर है जहाँ मैं पैसा लगा रहा हूँ? एकदम लगा रहा हूँ। क्या मैं आपको ये बताऊँगा? एकदम बताऊँगा, लेकिन इस सर पे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने एनालिसिस करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे सीखेंगे, और सीखने के बाद अगर लगता है कि हाँ यार ये थॉट प्रोसेस सही है तो आप अकॉर्डिंगली अपना रिसर्च करके आप भी पैसा लगाइए, या आप इसी तरह से रिसर्च करिए जैसे मैंने किया है, और जो भी कंपनी पर आप पहुँचते हैं उस कंपनी में पैसा लगाइए। मेरा काम है इक्विटी कल्ट लाना सोसाइटी में, मेरा काम XYZ शेयर रिकमेंड करना नहीं है, आप लोगों को इक्विटी पे भरोसा दिलाना है, इक्विटी इंडिया के ग्रोथ के साथ बढ़ती जाएगी। अब वो शेयर कौन सा है? वो शेयर जो मैं आज बाय कर रहा हूँ, एक महीने से बाय कर रहा हूँ, डेढ़ महीने से बाय कर रहा हूँ, और अगले कुछ दिनों तक तो बाय करूँगा, डिपेंडिंग अपॉन मेरे पास कब कितना पैसा आता है, वो शेयर है रिलायंस जियो फाइनेंशियल। वायर रिलायंस जियो फाइनेंशियल, समझिए ये क्या करने वाले हैं, ये देने वाले हैं लोन, सबको चाहिए आज के टाइम पे, सबको लोन चाहिए, ये सेल करने वाले हैं इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, या तो आप खरीदेंगे या आपके लिए गवर्नमेंट खरीदेगी, लेकिन इंश्योरेंस तो सबको चाहिए, किसान को भी इंश्योरेंस आज के टाइम पे हो रहा है, रेलवे में चलने वाले को इंश्योरेंस हो रहा है, फ्लाइट में चलने वाले को इंश्योरेंस हो रहा है, घर का इंश्योरेंस हो रहा है, गाड़ी का इंश्योरेंस हो रहा है, फ़ोन का इंश्योरेंस हो रहा है, इंसान का इंश्योरेंस हो रहा है। सोचिए आगे कितने% लोग अभी अपना इंश्योरेंस करा रहे हैं, आगे क्या स्कोप है,
क्या इंडिया की पर कैपिटा इनकम जब बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, कितने लोग इस नेट में आएंगे। $2,000 की पर कैपिटा इनकम है। इफ़ यू कंपेयर इट विद चाइना, वहाँ पे $5,000 की है, $5,000 की आई एम टॉकिंग अबाउट। कितना बड़ा स्कोप है, 5 times का स्कोप तो मुझे यहाँ ही दिख रहा है पर कैपिटा इनकम से। यहाँ पर बिजनेस मुझे दिख रहा है कि हाँ जी अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं अंबानी जी। मैं तो नहीं सक कर सकता, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी तो हो नहीं कि किसी भी उसी बिजनेस में अपने बेटे को जॉब दिलाने के लिए हम कहें यार हाँ इस कंपनी में जॉब मिल जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन मंच पे सबको गालियां देना शुरू कर दें, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि एक बाहर की कंपनी आके कोक पेप्सी बेचती है, हम कहते हैं वाह क्या मल्टीनेशनल है, और हमारी कंपनी बड़ी हो जाती है तो हम क्वेश्चन पूछते हैं ये कैसे बड़ी हो गई, ये तो चोर है ये। मतलब क्वेश्चन हम क्या पूछते हैं, ये कंपनी बड़ी कैसे हो गई, इस कंपनी के पास इतना पैसा आ कैसे गया, इसने इतना एम्प्लॉयमेंट दे कैसे दिया, इसने इतने पोर्ट्स क्रिएट कैसे कर दिए, इतने इतना क्या लॉजिक है। आपको होना चाहिए इसने इतने पोर्ट क्रिएट किए, इतने इतने बिजनेस बनाए, इतना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, क्या हमारे देश में और ऐसे लोग बने। ऐसा थॉट प्रोसेस के साथ अगर करेंगे तो देश ग्रो करेगा। आई एम नॉट प्रो टू एनी गवर्नमेंट, आई एम नॉट अगेंस्ट टू एनी गवर्नमेंट, बट हमारे अगर जो गवर्नमेंट आज पॉलिटिक्स में है अगर ये अगेंस्ट हो जाएगी तो ये भी ऐसा करेंगे, बिकॉज हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा है, हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा है। जो सत्ता में है वो दूसरे को करप्ट कहता है, एक स्टेट में जाके वो उसको करप्ट कहता है, दूसरे स्टेट में जाके वो उसको करप्ट कहता है। हमें इससे बाहर निकलना है, हमें इकोनॉमी को समझना है, हमें पॉलिटिक्स से दूर हटना है। इकोनॉमी को समझिए, ये पॉलिटिक्स US में भी होती है, ट्रंप जी जाते हैं पता चलता है व्हाइट हाउस पे क्या क्या होता है, लेकिन US इकोनॉमी की वजह से ग्रो हो रहा है, पॉलिटिक्स की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से हमें कुछ सपोर्ट मिलता है। हमें अपने आप को उससे बचा के रखना है। अगर आप देखिए जियो फाइनेंसेस को पढ़िए, कंसेप्ट को पढ़िए, उनके बिजनेस आइडिया को पढ़िए, उनके मैनेजमेंट इंटीग्रिटी को पढ़िए, देखिए कि पिछले 20-25-30 सालों में क्या रिलायंस ने ऐसा कोई एक डिसीजन लिया, मैं कहता हूँ कोई एक डिसीजन लिया जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट। इसे कहते हैं बिजनेस। जब भी वो डिसीजन लेते हैं इस बात को पूरा ध्यान रखते हैं कि उनके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का हित, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट सबसे सुप्रीम हो। इस बात को ध्यान रखने वाले बिजनेसमैन क्यों ना हम उन पर ट्रस्ट करके। हमने टाटा जी पे ट्रस्ट किया, टाइटन में पैसा लगाया, 4 रुपये से 400 और 400 रुपये से 4000 की तरफ 20 साल की टोटल जर्नी है, टोटल जर्नी। आपने एशियन में हमने पैसा लगाया, आप 20 साल की जर्नी देखेंगे 10 times then 10 times। कहीं भी पैसा ऐसे ही बना, 10 साल में 10 गुना, अगले 10 साल में फिर 10 गुना पैसा बढ़ता है, एक दिन में पैसा नहीं बढ़ता। बिजनेस को एनालिसिस कीजिए, अच्छा बिजनेस है, समझिए, सोचिए और इन्वेस्ट करिए। थैंक यू।